मुझे सबसे पहले इस बात की खुशी है कि लोगों ने मुझे आदमी के रोल में एक्सेप्ट किया। मैं हमेशा टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर करता रहता हूँ नीचे नीचे से, लेकिन इस बार मैं एक साधारण सा सिंपल सा जैसा मैं हूँ वैसा ऑलमोस्ट नज़र आया, तो बड़ा अच्छा लगा। सिंबॉलिक है वो सीन, दैट ऐसा तो है नहीं कि हर जगह करप्शन होती है, लेकिन ऐसा है भी कि कई जगह करप्शन होती है, तो एक सीन सिंबॉलिक है कि करप्शन है और उसे दूर किया जाना चाहिए। तो आई थिंक उसको उस तरीके से लेना उचित है कि वो किसी पर्सनल अटैक नहीं है किसी भी प्रोफेशन या कम्युनिटी पे, ओवरऑल है। हम सबको मालूम है कि सिस्टम में ख़राबी है, तो उस सिस्टम के ऊपर एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंच रहा है सही तरीके से। थैंक यू। हाँ, पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, सो आई मीन ऑब्वियसली दैट इज़ अ रियली रियली बिग थिंग फॉर द फिल्म, एंड आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड उमंग। आई थिंक दोनों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत जो है पिक्चर में दिखाई देती है, एंड इट्स ग्रेट दैट वी हैव अ फिल्म दैट सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ सच अ वंडरफुल एथलीट that has overcome so many obstacles and has done so much with her life. I think it's beautiful that a film actually celebrates that. अरे बहुत साल हो गए यार, अब क्या यादें ताज़ा करूँगा। आई मीन राकेश, ऑब्वियसली अगर आप उनकी पिक्चरें देखें आप रियलाइज़ करेंगे कि उनके सोचने का ढंग बहुत अलग है, जिस तरह की वो पिक्चरें बनाते हैं वो बहुत अलग हैं, कहानियाँ अलग होती हैं, जिस तरह से वो कहानियाँ कहते हैं वो भी बहुत अलग है, तो उनका सोचने का तरीका बहुत यूनिक है, बहुत ओरिजिनल है, और इसलिए जो भी वो पिक्चरें बनाते हैं उसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आपने पहले नहीं देखी होती। तो आई थिंक दैट्स जी, एक्चुअली जो सबसे यादगार मोमेंट था वो हमारे लिए था जो हम गाना शूट कर रहे थे रूबरू, वो जब हम वो शूट कर रहे थे गाना, वो पिक्चर की शूटिंग का आखिरी दिन था, तो सब वैसे ही इमोशनल हुए हुए थे, और वो गाने में भी सिचुएशन ऐसा था कि सब एक दूसरे को बाय बोल रहे हैं, तो वी वर ऑल रियली फीलिंग दैट बिकॉज ये लास्ट मनोज, अरे बाबू देखिए।
आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म थी, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस और पब्लिक ने ये डिक्लेयर कर दिया है। बट उमंग मेरा बहुत बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, ये किसी को मालूम नहीं है कि मैं अपनी पहली फिल्म एक्चुअली उमंग के साथ करने वाला था। सो ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ उमंग टू डू दिस। एंड प्रियंका चोपड़ा, मैं उनके बारे में जितना कम कहूँ उतना अच्छा है, बिकॉज आई थिंक व्हाटएवर शी डज इट सो वेल, शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट एंड व्हाटएवर शी इज़ डूइंग इंटरनेशनली ऑल्सो इतना अच्छा कर रही है। सो एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, सो यू नो टू टेक बॉलीवुड एंड इंडियाज नेम अहेड एंड मेक इट अ ग्लोबल नेम। वेलकम टू कराची, तो धमाल फिल्म है यार, उसमें नर्वस सो वेलकम टू कराची, धमाल फिल्म है, पागल फिल्म है, आपको सिर्फ आके हंसना है। और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारी फिल्म देखने मत आना, बिकॉज हर 15 मिनट में आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा, इतना हंसाएंगे हम। हाँ वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो पेट की प्रॉब्लम होने की वजह से सुपर हिट है, और हमारी फिल्म में इतना हम आपको हंसाएंगे कि अगर पेट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मत आना, वो होता है ना वार्निंग होती है ना। कौन सा? आपके घर पे अंकल, आपके घर पे 3G है क्या? सॉरी यूट्यूब है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक टू मी राइट। हाँ सो यू हैव टू से नहीं नहीं बैन है बैन है। हाँ अंकल आपके घर पे यूट्यूब है क्या? व्हाट्सएप स्काइप? अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। थैंक यू सो मच। खामोशिया के बाद अभी खामोश नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी फिल्म थी, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस और पब्लिक ने ये डिक्लेयर कर दिया है। बट उमंग मेरा बहुत बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, ये किसी को मालूम नहीं है कि मैं अपनी पहली फिल्म एक्चुअली उमंग के साथ करने वाला था। सो ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ उमंग टू डू दिस। एंड प्रियंका चोपड़ा, मैं उनके बारे में जितना कम कहूँ उतना अच्छा है, बिकॉज आई थिंक व्हाटएवर शी डज इट सो वेल, शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट एंड व्हाटएवर शी इज़ डूइंग इंटरनेशनली ऑल्सो इतना अच्छा कर रही है। सो एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, सो यू नो टू टेक बॉलीवुड एंड इंडियाज नेम अहेड एंड मेक इट अ ग्लोबल नेम। वेलकम टू कराची, तो धमाल फिल्म है यार, उसमें नर्वस वेलकम
Done, I'm coming. It's 1 acre. Okay. So welcome to Karachi. It's a dhamal film, a pagal film. You just have to laugh. And मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारी फिल्म देखने मत आना, बिकॉज हर 15 मिनट में आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा, इतना हंस आएंगे हम। हाँ, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो पेट की प्रॉब्लम होने की वजह से सुपर हिट है, और हमारी फिल्म में इतना हम आपको हंसाएंगे कि अगर पेट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मत आना। वो होता ना, बॉर्निंग होती है ना। कौन सा? आपके घर पे अंकल, आपके घर पे 3G है क्या? ओ सॉरी, यूट्यूब है। बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक टू मी, राइट? हाँ, सो यू हैव टू से नहीं, नहीं, बैन है, बैन है। हाँ अंकल, आपके घर पे यूट्यूब है क्या? व्हाट्सएप, स्काइप? हाँ अंकल, आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। थैंक यू सर। Being a debutant director, being a debutant maker, it's a great. And though I am not part of this movie, but since Sandeep Singh is my very good friend, and उसने भी शुरू किया तो मैं उनको हिम्मत देने और सेलिब्रेट करने आया हूँ। थैंक यू। आप एक बार क्लेरिफिकेशन तो दोगे ना? नहीं, ट्विटर पे लोग 25 शब्दों में ही चिल्लाते हैं।